ओके सो हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर दिस इज़ वीडियो नंबर नाइन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम यूजिंग जावास्क्रिप्ट आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है अभी तक हमने आठ प्रॉब्लम देखी हैं अलग अलग तरीकों से देखी हैं समझने की कोशिश करी है कि एक्चुअल में डी है क्या राइट आज का जो टॉपिक है ये एक यू कैन से कॉन्सेप्ट है अब आगे ऐसे आपको कॉन्सेप्ट मिलते रहेंगे और बीच बीच में मैं ऐसी प्रॉब्लम्स लेके आता रहूँगा रिकर्शन सर्चिंग सॉर्टिंग, ठीक है हम वो सब चीज़ें करने वाले हैं विद एग्जांपल्स के साथ डोंट वरी ठीक है कुर्सी की पेटी बांध लो फटाफट से ठीक है सो so, रिकर्शन का मतलब क्या है कैसे हम एक फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल होता हुआ देखते हैं ठीक है और फंक्शन के बाद हम रिकर्शन पढ़ते हैं कैसे काम आसान हो जाता है रिकर्शन का देयर मस्ट बी एंड पॉइंट जब हम रिकर्शन की बात करते हैं तो कुछ ना कुछ एंड पॉइंट होना चाहिए वरना आपका जो फंक्शन है अगर वो चलता रहेगा वो फंक्शन अभी आ रहा हूँ डेफिनेशन पे मैं वो फंक्शन चलता रहेगा उस केस में क्या होगा वो इंफेनाइट चलता रहेगा सो देर मस्ट बी एन एंड पॉइंट कुछ ना कुछ तो एंड पॉइंट होना चाहिए उस फंक्शन को स्टॉप करने के लिए एंड जैसा मैं हमेशा कहता हूँ सारी बात होती है रिक्वायरमेंट के ऊपर हमें पहले रिक्वायरमेंट को समझना जरूरी है वो टॉपिक क्यों इंट्रोड्यूस हुआ है उसको समझना ज़रूरी है उसके बाद आप इजीली कोड लिख लोगे ठीक है सो so, रिकर्शन से पहले आता है फ़ंक्शन है ना अब फंक्शन कैसे बनाते हैं सिंपल आप फंक्शन लिखते हो फंक्शन का नाम दे देते हो ठीक है और अभी पैरामीटर्स नहीं दे रहे मैं विदाउट पैरामीटर्स दे रहा हूँ तो इस तरीके से आप फंक्शन बनाते हो और उसमें जो लिखना चाहो लिख लेते हो अपनी नीड के अनुसार जो भी आपका बिजनेस लॉजिक होने वाला है बट यहाँ पे हम लिख देते हैं चलो आज मैं लिखता हूँ लाइक दिस वीडियो ठीक है सो लाइक दिस वीडियो लाइक करना जरूर इसको ठीक है और शेयर करना और कमेंट जरूर करना तो ये एक फंक्शन है यहाँ पे इसमें कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखी जाती है है ना तो अभी हमने कंसोल डॉट लोग लगाया जस्ट प्रिंट कराने के लिए तो इससे क्या हुआ कि अब आपके पास मान लीजिए ट्वेंटी लाइन्स है एंड आपको ट्वेंटी लाइन्स बार बार यूज़ करनी है तो ये थोड़ी है कि आप वो ट्वेंटी लाइन्स बार बार लिखोगे तो आप क्या करते हो सिंपल एक आपको सिंटेक्स मिलता है आप फंक्शन देते हो फंक्शन का नाम देते हो इफ़ यू हैव सम पैरामीटर तो या पैरामीटर रिसीव करोगे और फिर उन पैरामीटर्स को अपने लॉजिक में यूज़ कर लोगे अब ये तो हो गया चलो फंक्शन विद डेफिनेशन मतलब फंक्शन के साथ आपने डेफिनेशन भी दे दी है ठीक है अगर इसको थोड़ा समझें हम तो ये क्या हो गया फंक्शन विथ डेफिनेशन अब इसको कॉल करना है कॉलिंग भी जरूरी है वरना ये प्रिंट नहीं होगा जो वैल्यू हमने कराई है लाइक दिस वीडियो तो इसे कॉल करने का तरीका क्या है ये आपका कॉल करने का तरीका है ठीक है अभी मैं अगर नीचे क्लियर कर दूं सब कुछ और यहाँ पे इसे कॉल करें तो मेरे को क्या मिलेगा लाइक दिस वीडियो ठीक है अब मैं चाहे इसको तीन बार कॉल करूँ या दस बार कॉल करूँ या बीस बार कितनी एनी टाइम एंड टाइम्स तक मैं कॉल कर सकता हूँ जैसे जैसे मुझे मेरे को मेरी नीड के अनुसार मैं इसे कॉल कर सकता हूँ तो दो बार आ जाएगा तो यही फायदा होता है गए फंक्शन का कि आपको राइट वंस कॉल मल्टीपल टाइम्स ठीक है फंक्शन इज ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इट कंटेन्स वन स्टेटमेंट और मोर देन वन स्टेटमेंट आपका जो लॉजिक है यू कैन जस्ट पुट योर लॉजिक जो फंक्शन की बॉडी होगी उसके अंदर और उसके बाद उसे आप कॉल कर सकते हो एंड टाइम्स तक अपनी नीड के अनुसार तो फंक्शन का काम तो भैया समझ आ गया आपने बहुत सारे एग्जांपल्स भी करवाए हैं वहाँ भी आपने फंक्शन बनाया है ना अब रिकर्शन क्या होता है देखो रिकर्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी फंक्शन है वो अपने आप को कॉल कर रहा है खुद से कॉल कर रहा है वन फंक्शन कॉल इट्स सेल्फ इज़ कॉल्ड एज रिकर्शन रिकर्सिवली कॉल हो होते जा रहा है होते जा रहा है होते जा रहा है बट इस केस में क्या होगा अगर कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करता रहेगा तो उसमें क्या होगा कि वो फंक्शन इन्फिनाइट तक चलता रहेगा मतलब उसका कोई एंड नहीं है एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखते हैं जैसे कि मान लीजिए इसी फंक्शन के अंदर मैं इसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर लेता हूँ यही तो कहती है रिकर्शन की डेफिनेशन कि आप फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करे जा रहे हो वही मैं कर रहा हूँ अब ठीक है वही मैं करने वाला हूँ तो अभी हमारे पास एक फंक्शन है डैमो हमने डैमो कॉल किया दिस इज़ कॉलिंग एंड वी आर कॉलिंग अगेन इन साइड फंक्शन तो इसको रन करते हैं एक बार यहाँ पे तो देखिए चलता रहेगा फंक्शन कॉल होता जा रहा है फंक्शन के अंदर फंक्शन है बट एक टाइम ऐसा आएगा ये कह देगा भाई बस आपको क्या एरर दिया इसने रेंज एरर दिया ठीक है इस टैक ओवर एरर ठीक है अब वो चलता रहेगा तो एक टाइम पे तो आकर रुकेगा ना तो यहाँ पे आपको मिल गया रेंज एरर मैक्सिमम कॉल स्टैक एक्सीडेड ठीक है तो कॉल स्टैक का मतलब क्या होता है इसके बारे में जरूर बताऊंगा आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ जब कोई फंक्शन हम कॉल करते हैं ना मान लीजिए यहाँ पे पांच फंक्शन होते तो जो आपका स्टैक होता है ना पहले आपका फंक्शन कॉल होगा तो एज अ एनोनिमस काउंट होगा जो फंक्शन पहला फंक्शन होगा तो उस स्टैक में ऐड हो जाएगा फिर दूसरा ऐड हो जाएगा फिर थर्ड ऐड हो जाएगा फिर फोर्थ ऐड हो जाएगा जिस तरीके से कॉलिंग हो रही है उस तरीके से ही आपके स्टैक में ऐड होता रहेगा तो यहाँ पे फंक्शन कॉल होता रहा होता रहा होता रहा एक टाइम पे आके उसने आपको एरर दे दिया कि भाई अब यहाँ पे जो कॉल स्टैक है स्टैक की लिमिट यहाँ पे खत्म हो चुकी है इसके ऊपर मैं एग्जांपल दूंगा कॉल स्टैक के बारे में और बात करेंगे जब हम स्टैक पढ़ेंगे तो आप रिलेट कर पाओगे ठीक है तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ आई कि यहाँ पर रिकर्शन का मतलब समझ आ गया कि वैन फंक्शन कॉल इट्सल्फ इस कॉल्ड एज रिकर्शन वो हमने देख भी लिया बट यहाँ पे एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखी हुई है इफ़ अ फंक्शन कॉल इट सेल्फ देन देर मस्ट बी एन एंड पॉइंट कुछ ना कुछ तो एंड पॉइंट होना चाहिए उसको रोकने के लिए अब वो है हमारा लॉजिक वही लॉजिक है हमारा आप एक फंक्शन को बार बार थोड़ी कॉल कर सकते हो कोई ना कोई तो कंडीशन पे आके आपको उस फंक्शन को स्टॉप करना पड़ेगा ना वही कंडीशन मैं अभी आपको सिखाऊंगा और उस कंडीशन को आपको यूज़ करना है जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी जो आपको कहा गया है तो अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पर रिकर्शन उस केस में यूज़ करना चाहिए तो आप यूज़ कीजिए वरना कोई फोर्स नहीं है ठीक है बट हाँ कॉन्सेप्ट है तो हम पढ़ रहे हैं बट देयर मस्ट बी एन एंड पॉइंट कुछ ना कुछ एंड पॉइंट होना चाहिए तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं और अच्छे से तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक नंबर पास करता हूँ टेन ठीक है मैं एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ और उस पैरामीटर को यहाँ पे रिसीव कर रहा हूँ एज ए नंबर राइट तो लाइक दिस वीडियो बिल्कुल ठीक है लाइक तो आपने अभी तक वीडियो कर दिया होगा नहीं करा तो प्लीज़ कर देना ठीक है सो so यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे मैं एक काम और करता हूँ यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं हम लेट काउंटर की वैल्यू दे देते हैं वन ठीक है अब मैं आपको दिखाऊंगा कंडीशन के हिसाब से फंक्शन को कॉल करना वो रिकर्सिवली कॉल भी होगा बट वहाँ पे एक कंडीशन होगी जैसे ही वो कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी उस केस में आपका फंक्शन रिटर्न कर देगा और आपका वो फंक्शन चलना बंद हो जाएगा तो आपने रिकर्सिवली फंक्शन को कॉल भी कर लिया और वो फंक्शन इनफानाइट तक नहीं चला जैसे आपने लूप वगैरह यूज़ किया होगा तो यहाँ पे ना आपको वही फ़ील आने वाली है जब भी हम रिकर्शन पढ़ते हैं तो आपको वाइल्ड लूप फोर लूप में नहीं जाना है उल यू कैन यूज़ आप फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हो बट ये जब रिकर्सिवली चलता है तो ऐसा लगता है लूप चल रहा है आइट्रेट हो रहा है है ना अभी देखिएगा अभी आपको समझ आएगा तो हमने क्या किया डेमो फंक्शन यहाँ पे कॉल किया सिंपल टेन पास के टाइम यहाँ पे रिसीव होगा और यहाँ पे मैं कंडीशन लगाने वाला हूँ एक बहुत अच्छी सी कि ये जैसे ही अब जो कंडीशन लगेगी वो ही सारी मेन है जो इस लाइन को जस्टिफाई करेगी जो हमने लिखी है यहाँ पे ठीक है इफ अगर मेरा काउंट ग्रेटर देन है नंबर तो उसके इसमें क्या करेगा रिटर्न कर देगा फंक्शन मेरा रिटर्न कर देगा बस ठीक है तो अगर मेरा काउंट ग्रेटर ग्रेटर देन नंबर्स तो मुझे काउंट की वैल्यू को बढ़ाना तो पड़ेगा वरना बात नहीं बनेगी है ना तो यहाँ पे मैं करता हूँ काउंट की वैल्यू को प्रिंट करवा लेते हैं पहले ठीक है और यहाँ मैं करने वाला हूँ काउंट को प्लस 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 काउंटर जो है मेरा वो तो प्लस प्लस होगा तो जब ये कंडीशन मेरी ट्रू हो जाएगी तो ये फंक्शन रिटर्न कर देगा फिर ये कुछ नहीं चलेगा और सीधा मुझे आउटपुट मिल जाएगा बाहर वरना ये आएगा लाइक दिस वीडियो वन उसके बाद टू थ्री काउंटर की वैल्यू बढ़ती रहेगी और फंक्शन कॉल होता रहेगा आइए इसको चला के देखते हैं और देखते हैं कि कैसा आउटपुट आ रहा है ओके uh, okay. तो ये लूप चला दस बार लाइक दिस वीडियो लाइक दिस वीडियो टेन टाइम्स आ चुका है उसके बाद ये फंक्शन नहीं चला तो हमने दस बार जो ये कॉल किया है ये जो आप देख रहे हो कंसोल में हुए, हुआ है टेन टाइम्स हुआ है रिकर्सिवली कॉल होता रहा पर जैसे ही कंडीशन मेरी इफ़ ट्रू हुई ये फिर रिटर्न करेगा और बाहर आ जाएगा मतलब कि आगे ये नहीं जाएगा और फंक्शन से बाहर आ जाएगा तो इस तरीके से आप रिटर्न करवा के फंक्शन से बाहर आ सकते हो ठीक है मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे बुलियन वैल्यू रिटर्न नहीं करवाई मैं बस फंक्शन से बाहर आना चाहता था तो यू कैन से मैंने ब्रेक कर दिया फंक्शन को तो जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन था फंक्शन का वो ब्रेक हो गया और ये फंक्शन से बाहर आया दैट्स इट तो इसने दस बार मुझे प्रिंट करा के दिखा दिया तो यहाँ पर क्या है रिकर्सिवली फंक्शन कॉल हो रहा है फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हो रहा है ठीक है दिस इज़ आपका यू कैन से यही आपका रिकर्शन है ठीक है रिकर्सन फंक्शन आप यू कैन से जावा के अंदर इनबिल्ट हमारे पास जैसे जेशन डॉट पार्स होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई डी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय नेम दीज आर इन बिल्ट रिकर्शन फंक्शन ठीक है आप पढ़ सकते हो उनके बारे में क्योंकि वो इन बिल्ट हैं आपने बहुत बार यूज़ भी किएंगे शायद आपको नहीं पता होगा क्या वो रिकर्शन फंक्शन है यह नहीं पता होगा तो यहाँ पर हमने क्या किया सिम्पल एक काउंटर वेरिएबल लिया और कंडीशन लगाई कि जैसे काउंटर की वैल्यू उस नंबर से ज़्यादा हो जाएगी तब ये फंक्शन जब बाहर आ जाएगा मतलब फंक्शन से बाहर आ जाएगा जब बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं है फिर ठीक है फंक्शन से बाहर आ गया पर ये जो बाहर आई ये एक बार कॉल होगा ठीक है बाहर आ गया यानी कि दोबारा इस डेमो को कॉल कर देगा ऐसा नहीं है यहाँ पे ठीक है ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में बट ऐसा नहीं है सिंपल हमने डेमो फंक्शन कॉल किया ये फर्स्ट टाइम कॉल होगा एक बार कॉल होगा दैट्स इट उसके बाद ये बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे नंबर हुआ आपका टेन और काउंटर ग्रेटर देन यहाँ पे ये कंडीशन चलेगी उसके बाद ये कंसोल प्रिंट कराता रहेगा काउंटर की वैल्यू बढ़ती रहेगी और यहाँ पे हमने अगर देखिए एक और चीज़ दिखाता हूँ अगर मैं इस नंबर को यहाँ पास नहीं करूँगा ना तो ये डेमो फंक्शन कॉल करेगा ठीक है विदाउट एनी पैरामीटर देखिएगा अभी दिखाता हूँ क्या होगा ये इन्फरनेट तक चला जाएगा फिर ये देखिए तो यहाँ इसकी लिमिट पार हो गई है और यहाँ पर कहेगा कि भाई मैक्सिमम कॉल टैक एक्सीडेड तो इस केस में यहाँ पर मैंने पैरामीटर पास किया अपना नंबर टेन ताकि जब दोबारा कॉल करे तो उस दस नंबर को लेके जाए वरना खाली लेके जाएगा कुछ नहीं होगा नंबर की वैल्यू कुछ नहीं होगी फिर वो आपको इंफरनेट तक ले जाएगा ठीक है तो गई ये था आपका रिकर्शन जो बहुत बेसिक तरीके से मैंने एग्जाम्पल दे समझाने की कोशिश की आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा नेक्स्ट वीडियो में इसका एडवांस वर्जन देखेंगे और अच्छे से समझेंगे एक प्रॉब्लम के साथ समझेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करना शेयर करना कमेंट करना और सब्सक्राइब करना अलॉन्ग विद बेल आइकन मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में टिल देन ध्यान रखिए अपना बाय बाय